मैं करूं शुरू? हाँ करो, हाँ करो। सबसे पहले तो रक्षाबंधन के बाद आपका ये पहली वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इशू है वो है, कल हमारी यहाँ पर ऑल पार्टीज की मीटिंग हुई। डोगरा सदर सभा की तरफ से हमने सब नेताओं को रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर सूबा जम्मू के अंदर जो माहौल है वो ठीक नहीं है। आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं कि यूथ पूरा का पूरा जम्मू का सड़कों पर था। और इशू क्या था? इशू ये नहीं था कि नई चीज़ की मांग थी, बल्कि वो इशू जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट दी थी, टोल प्लाजा की बात थी, चाहे स्मार्ट मीटर के बारे में कई दफ़ा उन्होंने कहा कि हम उसको फिर से रिकंसिडर करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में कहा, ये सब वो चीज़ें थी जिन पर चर्चा चल रही थी। और गवर्नमेंट ने एक दिन नहीं, कई दफ़ा, कई दिनों ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए उसके बारे में, और गवर्नमेंट खुद महसूस करती थी कि वो उनमें बहुत कुछ करना बाकी है। अगर इसको लागू करना होगा तो उसमें अमेंडमेंट लाना ज़रूरी होगा। अब ये क्या हुआ कि गडकरी जी की भी अनाउंसमेंट थी पार्लियामेंट के अंदर कि टोल प्लाजा ख़त्म किए जाएंगे, जितने डिस्टेंस पर अलाउड हैं वही हम रखेंगे। उसमें ये सरो टोल प्लाजा भी आता था, बन का भी आता था, और बाकी जो उन्होंने फैसले लिया ठंडी खुई का, बाकी ये सारा रिकन्सिडर करने की कोशिश हो रही थी। इतनी देर हमारे यूथ ने, जम्मू के यूथ ने ये देख कर कि सड़क हमें मिल नहीं रही, सारी सड़क उखेड़ी हुई है, पुल टूटे हुए हैं, और ये टोल प्लाजा तो बंद नहीं हो रहा, तो अगर रिकंसिडर करना है तो सारी सड़क के जिसके वजह से टोल प्लाजा हमें देना पड़ता है और वो लेते हैं, वो बजा ही नहीं वहाँ पर, तो इसको बंद करो आप। और उसको लेकर कुछ नौजवानों ने, जैसे युवा राजपूत सभा के नौजवान भड़के, और सारे की सारी पार्टियों ने, सब संस्थाओं ने उनको सपोर्ट किया कि वाकई ये जायज़ मसला है, और ये भी कहते रहे। और उसके बाद उनको जेल में ले गए। यानी आप जानते हो कि बड़े मुश्किल हालात में, पीक पर मिलिटेंसी थी, पाकिस्तान यहाँ पर किस किस्म के खेल खेल रहा था, कश्मीर का नौजवान भड़क चुका था, घरों के घर में इस वक्त अजीब किस्म का सन्नाटा था, नौजवानों ने आहुतियाँ अपनी, जो शहीद हुए वहाँ पर, चाहे सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने भी आहुतियाँ दी, और जो मिलिटेंट बने और उन्होंने हरकतें की वो भी मारे गए, और घरों के घर खाली हुए थे। तो वो बात पाकिस्तान इसलिए थी कि पाकिस्तान में हाथ, वो वहाँ से लोग उनके हाथ में लग गए। पर जम्मू के मिसाल है कि जम्मू की इन बेल्ट्स के अंदर कोई मिलिटेंट आया अगर, तो उसको ज़िंदा नहीं जाने दिया, लोगों ने उसका शिकार करके मार दिया। ऐसे इलाके को आपने पूरे को डिस्टर्ब कर दिया, ये गलत बात थी। उसको लेकर सारी हमारी सोशल संस्थाओं के और मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स ने फैसला किया कि हम बैठ के फैसला करें और जम्मू को डिस्टर्ब होने से बचा लें। यहाँ कोई जानी नुकसान हो गया, कोई अगर फास्ट एंड टू डेथ किसने रखा है, वो उसके अगर वो नहीं रहा तो यहाँ पर जो कुछ होगा वो शायद गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगा। और वो बंकर, जिस बंकर से आपने पंजाब के अंदर पाकिस्तान ने जो वहाँ पर एंटी नेशनल कोई इसकी नेशनलिज्म लाने की कोशिश की, वो यूथ भड़का या उसके हाथ में आ गया, उसका मुकाबला आपने जम्मू से किया, हिंदू सिख का फसाद यहाँ नहीं होने दिया। और जब कश्मीर के अंदर आग लगी, वो चिंगारियाँ भी यहाँ पड़ रही थी, उनको भी मसल दिया गया। ऐसे बंकर को आपने तोड़ने की कोशिश की, तो कल उसकी चिंता दिखाते हुए हमारे ये नेता यहाँ बैठे हैं, सीनियर लीडर्स, आप सब जानते हैं, नाम इनके लिखे हुए हैं प्रेस नोट पर। इनके अलावा बाकी लोग भी थे, और बड़ा डिटेल मंथन हुआ, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले हमने ये कहा है कि गवर्नमेंट का जो रवैया है यहाँ के लोगों के साथ वो ठीक नहीं है, वो एक बड़ी कोऑपरेशन दोनों साइड से होनी चाहिए थी, जिस तरह लोगों ने काम किया वो इस माहौल में
नहीं लगा। तीसरा, ये जो टोल प्लाजा वाला मसला है, ये फौरन गवर्नमेंट ने कभी लड़कों को जेल में ले जाना, कभी छोड़ना, इस तरीके से करना, वो नहीं। इन चीज़ों को छोड़ दो, आप इस टेस्ट में मत डालो लोगों को। हमारी सब लोगों की, सब नेताओं की जो हमारे सामने बैठे हैं, ये डिमांड है कि फौरन टोल प्लाजा बंद करो। जब तक आपके रूल्स के मुताबिक टोल लेना नहीं बनता, तब तक टोल नहीं लेना चाहिए। और यूथ जो फास्ट एंड टू डेथ पर था, कईयों का आपने कल कईयों के जो वो फास्ट वगैरह ख़त्म करवाए, लेकिन कुछ लड़के अभी भी हॉस्पिटल के अंदर हैं। अगर उनका कोई नुकसान हो जाता है तो बिल्कुल क्लियर कट रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी। इसलिए ये फौरन फैसला करें और उनके लिए पूरा इंतज़ाम करें कि उनका कोई जानी नुकसान ना हो। हमें इस बात की चिंता है। जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, मेरे साथियों, आप तो पत्रकार बंधु हो, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप मुझे बताओ कि ये जो बिल आ रहे हैं लाखों रुपए के, वो इसलिए बिल आ रहे हैं, कहते हैं पुराने मीटर ख़राब थे, तो पुराने मीटरों के बिल हैं ना, तो पुराने मीटर निकाल रहे, तो ये बिल भी छोड़ो, अगले जो हैं मीटर टेस्ट करके लगाओ, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये भी हमने सब पार्टियों के सब नेताओं ने वहाँ पर यूनानिमस फैसला किया है कि गवर्नमेंट से मांग की है कि ये मीटर टेस्ट करो, उन्होंने वायदा किया है। और दूसरा, जो पुराने मीटर आपने खुद कहा कि वो इसलिए रिप्लेस किए कि वो ठीक नहीं थे, तो उनका जो बिल था वो सारा का सारा ख़त्म करो। और फिर अगली बात ये है कि हम